हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? ऑप्शन है अंध, डार्क, दूसर ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। यही करेक्ट है, राजस्थान में वर्तमान में धूसर और डार्क क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में पीने पानी का 87% हिस्सा भूजल से ही लिया जाता है। जो पीने का पानी है उसका 87% हिस्सा भूजल से ही लिया जाता है, साथ ही सिंचाई में भी भूजल का उपयोग हो रहा है। राज्य के सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा भूजल से ही लिया जाता है। ठीक है, 87% पेयजल का और 60% सिंचित क्षेत्र का। ऐसी स्थिति में दूसरे और अंध क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षित श्रेणी वाले जिले कौन कौन से हैं? यदि सुरक्षित श्रेणी वाले जिलों का नाम लिया जाए तो वो हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक वर्षा होती है इसलिए बच रहा है, और गंगानगर हनुमानगढ़ में नहर सिस्टम है, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, इसलिए यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। अगर अर्धसंवेदनशील जिले आए तो वो दक्षिण के जिले आ जाएंगे। कौन कौन से? कोटा, टोंक, चूरू और सिरोही। यदि संवेदनशील श्रेणी वाले आए तो डार्क जोनों में आए तो अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, बाकी के जितने भी जिले हैं वो सब डार्क जोन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक किसने लगा दी है? तो फेमस क्वेश्चन है ये, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौन और श्रीमाधोपुर, इन जगहों पर भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है सरकार ने, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौन और श्रीमाधोपुर में। ठीक है, सूची मैच करनी है हमको। चंबल परियोजना किन किन राज्यों की है? राजस्थान में मध्य प्रदेश की परियोजना है ये। माही बजाज सागर परियोजना, ये राजस्थान एवं गुजरात की परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, राजस्थान एवं गुजरात की है और बांसवाड़ा जिले को लाभान्वित करती है। दो बांध इसमें बनाए गए हैं, एक तो बांसवाड़ा पर और एक कड़ाणा बांध गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो ब्यास परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है। इसमें ब्यास परियोजना में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। दो बांध इस पर बनाए गए हैं, एक तो पंडोहा बांध और एक है पोंग बांध। तो सर्वाधिक लाभ हमें मिलता है वो पोंग बांध से मिलता है। ठीक है, कांगड़ा जगह पर है ये पोंग बांध, ब्यास नदी का पानी यहाँ पर आता है। अगला है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर का मतलब है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना से दो जिले लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है बाड़मेर और एक होता है जालौर। नर्मदा परियोजना एकमात्र परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये चार राज्य सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में 25 ऐसे भंडार हैं जो सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों में आते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो अति दोहित ब्लॉक हैं वो 2013 में कुल 248 में से 164 ब्लॉक ऐसे हैं जो अति दोहित हैं। 164 ब्लॉक अति दोहित हैं। ठीक है, क्रिटिकल ब्लॉक में 9 ब्लॉक आते हैं क्रिटिकल हैं जिनकी। क्रिटिकल का मतलब है यहाँ जो दोहन पुनर्भरण है वो 90% से 100% है। सेमी क्रिटिकल में आते हैं जहाँ 70% से 90% दोहन पुनर्भरण है, जो कि 28 ब्लॉक आते हैं। पूर्ण खारे ब्लॉक कौन कौन से हैं? वो हैं चूरू जिले में तारानगर, बीकानेर में खाजूवाला और हनुमानगढ़ में रावतसर। ये पूर्ण खारे ब्लॉक हैं तीन, चूरू के तारानगर, बीकानेर के खाजूवाला और हनुमानगढ़ का रावतसर, ये पूर्ण खारे ब्लॉक है। सुरक्षित ब्लॉक है 44, जिनमें दोहन पुनर्भरण का जो 70% से कम है 44 है। तो ये आपको याद रखना है, सुरक्षित जल भंडारण के जो ब्लॉक हैं वो हैं 25 विकास खंड, ये आपको याद रखना है 2011 के अनुसार। अगर 2013 के अनुसार पूछे तो इसी को, ये 25 से हो गए हैं 44। ठीक है, 2013 के अनुसार। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ।